अभी गायब है। धड़कन बंद हो गई क्या? देखो तो सही। अरे हाँ, ये तो सच में चल बसा। चल बसा मतलब डेड हुआ। आज इसको डेड होना था। अरे अपना फोन कभी भी डेड हो जाता है, आज पहली बार थोड़ी हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम कामकाज वालों का काम के टाइम पर ही फोन डेड हो जाता है, और वो एक है सतपाल का बच्चा जिसका फोन कभी डेड नहीं होता, जिसको कुछ भी काम नहीं है। अरे फोन डेड हुआ है तो चालू भी हो जाएगा, हमेशा के लिए थोड़ी डेड हुआ है। अरे आज टेंडर खुलना है, मेरा फोन करना बहुत जरूरी है। अगर टेंडर हाथ से निकल गया तो कितने का नुकसान होगा पता है तुम्हें? कितने का? 50,000 रुपए महीने का। 50,000 रुपए महीना? ये तो बहुत ज्यादा नुकसान है ना। और नहीं तो क्या, मैं यूं ही परेशान हूँ। मुझे तो शक है हमारा फोन डेड करने के पीछे किसी दुश्मन का हाथ है। आप तो हमेशा सतपाल पे शक करते हो। अरे मैंने सतपाल का कहा नाम लिया? मुझे तो लगता है शहर में बच्चों को उठाने वाला कोई गैंग आया है, उसी ने ये काम किया हो। हाँ? नहीं, 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 वो क्यों फोन डेड करवाएंगे? अरे उनका कामकाज फोन पर ही तो चलता है, अगर फोन डेड हो गया तो वो लोग फिरौती कैसे मांगेंगे? मैं पीसीओ से फोन करके आता हूँ। अरे नहीं, आप भी कमाल करते हो, 50,000 रुपया महीने के फायदे के लिए लोकल पीसीओ से बात करोगे, आपको शर्म नहीं आएगी? You are right. मुझे लगता है मैं एसटीडी से फोन करके आता हूँ। अरे नहीं, अपनी सतपाल के यहाँ जाके फोन करो ना, उसका फोन ठीक होते हुए भी वो कई बार यहाँ आके फोन करता है कि नहीं, तो आज आप जाके कर लो। नहीं नहीं नहीं, ये टेंडर का मामला है, मुझे प्राइवेटली बात करनी है, सतपाल भरोसे का आदमी नहीं है, मैं उसके सामने फोन नहीं कर सकता। अरे आप जाके देखो तो सही, शायद वो घर पे भी ना हो। अगर हुआ तो? हुआ तो उसे यहाँ भेज दो और आप आपकी प्राइवेट बात कर लो। और तुम यहाँ अपनी प्राइवेट बात कर लो, यही ना? ओहो, हर बात पे शक, थक गई हूँ मैं तो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो उठा लेते हैं बॉस। उठा लेते हैं बॉस? कहीं सतपाल मेरे बॉस के साथ मिलकर मेरा टेंडर पास होने से पहले मुझे उठाने की बात तो नहीं कर रहा? अरे गिल्लू जी आप बैठिए ना। विमला। अरे गिल्लू जी आप कब आए, बैठिए ना। बैठा हुआ तो हूँ। अरे आप माल की चिंता मत करें बॉस, बच्चों बच्चा नहीं है वो। लगता है किसी से मेरे बारे में ही बात कर रहा है। अरे रिस्क तो लेना पड़ेगा बॉस, रिस्क नहीं लेंगे तो माल कैसे मिलेगा? मुझे माल समझता है? आपको पता है गिल्लू जी, सतपाल ने नया धंधा शुरू किया है। कौन सा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन धंधा नया है। माल तो निकलवा लूंगा मैं उससे। देखिए ना, जब से नया धंधा शुरू किया है सतपाल ने नए नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अच्छा? है और मेरी ये ड्रेस है ना, ये भी नई है। अच्छा, इसका नया धंधा कौन सा हो सकता है? नो प्रॉब्लम बॉस, माल तो अपना है। सतपाल के नए धंधे में जेब से कुछ नहीं लगता, बल्कि बाहर से पैसे जेब में आते रहते हैं, और वो भी हजारों में आते हैं। क्या कहा? 50,000? ठीक है मैं माल लेकर पहुंचता हूँ। हाँ हाँ, जगह मुझे मालूम है। ओके ओके बॉस। और सुनाइए गिल्लू जी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? आप हमारे घर का रास्ता भूल कर आए हो गिल्लू जी? शांता जी से पूछ लेते, वो तो अच्छी तरह जानती है कि हमारा घर आपके घर के सामने ही है। उसी से पूछ कर आया हूँ। अच्छा। बात यह है कि हमारा फोन डेड हो गया है। मुझे पता। इसे कैसे पता? कहीं इसी ने तो मेरा फोन डेड नहीं करवाया है। तुम्हें कैसे पता? सुबह से 3 बार फोन मिला चुका हूँ, मिला ही नहीं। आपको किसे फोन मिलाना है? बात यह है कि मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। अरे तो कीजिए ना। तुम्हारे सामने? जाओ, तुम्हें शांता ने बुलाया। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं गिल्लू जी, आपके पीछे से शांता जी से मिलने जाऊंगा तो आप पीछे से मुझ पर शक नहीं करोगे? आप तो ढंग से फोन पे बात भी नहीं कर पाओगे। आप फोन मिलाइए, जब तक आप फोन मिलाएंगे तब तक मैं आपके सामने यहीं बैठूंगा। मिलाइए ना फोन, मिलाइए ना, आपको मेरी कसम। भाई विमला, तब तक कुछ ठंडा वंडा पिलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी पी लेती हूँ। हेलो जी, मैं गिल्लू बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही? गिल्लू गिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बात यह है जी, वो जो है ना वो हमारा सबसे अच्छा है। क्या टेंडर? टेंडर जो आप कहते हैं वो हो जाएगा सर। जी मैं तो आपका बच्चा हूँ सर। जी फोन मैं बाहर से कर रहा हूँ। क्या है कि हमारे घर के फोन का कत्ल करवा दिया है दुश्मनों ने। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सतपाल।
हो गई बातचीत। अरे कहाँ हुई? मिलाया किसी को फोन था, लग किसी को गया। अरे तो आप नंबर बताइए ना, मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बातचीत हो गई ना, उनसे बातचीत नहीं हुई तो उनसे हो गई, उनसे मैं बाद में कर लूंगा। कमाल है, उनकी भी उनसे बातचीत हो गई, आपकी भी उनसे बातचीत हो गई, बस मैं ही बच गई। मैं भी उनसे बातचीत कर लेती हूँ। तुम उनसे आराम से बातचीत करती रहना, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे उनसे जरूरी काम से मिलना है। अच्छा गिल्लू जी, आपसे फिर मिलता हूँ। अरे ये ठंडा तो। अरे गिल्लू जी है ना। विमला जी, ये सतपाल किससे मिलने जा रहा है? बताया ना अभी, उनसे मिलने गया है। भगवान बचाए इनसे। इनसे? अरे जिनके मैं फोन करने गया था, फोन करते करते दिमाग खराब कर दिया, ठीक से बात भी नहीं कर पाया, सामने ही बैठा रहा वो। पता नहीं पास होगा कि नहीं। पास कैसे नहीं होगा, इनमें से एक उंगली पकड़ लीजिए, अभी पता चल जाएगा। तुम्हारी उंगली पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ये सब खन्ना के हाथ में है। ये खन्ना कौन है? प्रिंसिपल तो मिसेस चड्डा है। मिसेस चड्डा? ये कौन है? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं अपने टेंडर की बात कर रहा हूँ। अरे मैं सोनू की बात कर रही हूँ, आज उसका रिजल्ट है, अगर वो पास नहीं हुआ तो उसे इतना पिटूंगी कि टांगे तोड़ दूंगी। आप बीच में मत आना। अरे एक बार टेंडर पास हो जाए तो मैं सोनू को डायरेक्ट बीए पास करवा दूंगा। लेकिन अब तक आया क्यों नहीं वो? ओए सोनू, क्या कर रहा? ओए सोनू रुक, सतपाल अंकल। ओ रुक जा, भागता कहाँ तू? ओ रुक, रुक जा, रुक जा। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा। तो स्कूल नहीं गया? गया तो। तो यहाँ पे क्या कर रहा तू? सतपाल अंकल, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रॉब्लम में? तुम मुझे बताना बेटे, आखिर तुम्हारे सतपाल अंकल किस दिन काम में आएंगे? आप किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं बताऊंगा। नहीं बता... मुझे पता है आप बताओगे। नहीं बताऊंगा ना, बता क्या बात है? नहीं मुझे पता है आप बताओगे, आप बताओगे, आप बताओगे। बताता कि नहीं बताता? बात ये कि मैं फेल हो गया हूँ। अब इसमें हंसने की क्या बात है? अरे तो इसमें रोने की भी क्या बात है? तुझे पता है मैं मैट्रिक तक लगातार फेल होते होते पास हो गया हूँ। जब आप फेल होते थे, आपकी मम्मी आपकी पिटाई नहीं करती थी? अरे नहीं, मम्मी तो खुश होती थी, मेरा सत्तू फेल हो गया, मेरा सत्तू फेल हो गया, मेरा सत्तू फेल हो गया। हाँ पापा जरूर करते थे। पर मेरी मम्मी करती है, आपको पिटाई से डर नहीं लगता? अरे जब फेल होने से नहीं डरे तो पिटाई से क्या डरते? आपने मेरी मम्मी की पिटाई नहीं खाई है ना, इसलिए बोल रहे हो। आपको क्या पता मम्मी की पिटाई क्या होती है? अच्छा, शांता जी मारती भी है? मारती है, बहुत जोर का मारती है। सतपाल आप प्लीज मुझे मम्मी की मार से बचाइए, नहीं तो मेरी मम्मी मेरा मार मार कर कचुम्बर बना देगी। वैसे कैसे बना देंगी? मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर, आज तू मेरे साथ घर जाएगा। मेरा सोनू अब तक नहीं आया, कितनी देर हो गई है। मुझे तो शक है कहीं दुश्मनों ने उसे उठाने लिया हो। क्या अशुभ बातें करते हो, शुभ से बोलो ना। अरे तुम ही तो बता रही थी कि शहर में उन बच्चों को उठाने वाला कोई गैंग आया हुआ है। हेलो विमला, मैं बोल रहा हूँ। ओह सतपाल, क्यों बोल रहे हो? अरे भाई तुमसे बात करने के लिए बोल रहा हूँ। तो करो ना बात। सुनो, सोनू मेरे साथ है। अच्छा, और तुम किसके साथ हो? अरे भाई मैं सोनू के साथ हूँ। ओह सुनो, सोनू बहुत डरा हुआ है। किससे? तुमसे? घर आके बताऊंगा। तो फिर अभी क्यों फोन किया? मुझे आज शाम तक 50,000 रुपए का इंतजाम करना है, ठीक है? काम हो जाएगा तो घर आऊंगा। सोनू मेरे साथ है, तुम गिल्लू जी के जाके यहाँ ये बात बता देना। बता दोगी? इसमें क्या मुश्किल है, ऑफ कोर्स बता दूंगी। तो बता दो। अरे तो फोन तो रख दो। लेकिन बताना क्या है? गिल्लू जी, शांता जी, गिल्लू जी। क्या हुआ? उनका फोन आया था, उन्होंने कहा है कि सोनू उनके पास है। किसके पास है? मेरा सोनू किसके पास है? अरे सोनू उनके पास है शांता जी, उन्होंने कहा है 50,000 रुपए का इंतजाम कर लो। सोनू मेरे बच्चे। 50,000? बेहोश होने की जगह कहाँ है? हाँ यही है। लंबी लंबी सांस लो। कमाल है,
नब्ज भी ठीक है, जीभ भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी लो है ना हाई है। और जी तुसी एक गल दसो, होया की सी? कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ आकर कुछ बोला, उसे सुनकर ये दोनों बेहोश हो गए। बोला? तो क्या बोला था जी? कुछ बोला तो था, मेरे को याद नहीं है। कुछ बोला तो था, मेरे को याद नहीं है, और ये सुन के तो कायदे से मेरे को भी बेहोश हो जाना चाहिए। क्यों? पता नहीं क्यों, जब तक कुछ पता नहीं चलता पानी ना पी, इधर दे। एक्सपायर होने से पहले इस पानी की कुछ छींटे इनके मुंह पे मारते हैं, ता हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता कि ये होश में आ जाए। लाओ जी। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मैं कहाँ हूँ? वो मर गए यार। क्या हुआ? वो जे दोनों अपनी याददाश्त भूल गए। शांता, ओ गिल्लू, याददाश्त वापस आ गई। सबको पहचान रहे हैं? जे कौन है? अरे ये विमला है और तू बलवंत है यार। अच्छा तो तुसी कौन हो? मुझे मेरा सोनू चाहिए, मैं अपने सोनू के बगैर नहीं रह सकती। बलवंत जी मुझे मेरा सोनू दे दो, चाहे तो मेरी जान ले लो। तुम्हारी जान ले लूं, सोनू को दे दूं? प्रजा जी हुआ क्या है? आखिर गिल्लू जी सोनू है कहाँ? बलवंत ये जो कल, वैसे गिल्लू जी ये बात ठीक नहीं है, मैं अपनी सारी प्राइवेट बातें आपको बताती हूँ और आप अपनी बातें मुझसे छुपा रहे हो। विमला तू बहुत भोली है और ये दुनिया बड़ी दगाबाज है, मुझे पता है कि इस गोलमाल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। क्या बात कर रहे हो गिल्लू जी, मेरे दो दो हाथ हैं। प्लीज प्लीज विमला, मेरी सोनू की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। पता नहीं क्या गोलमाल है। बलवंत मेरे सोनू का अपहरण हो गया है, उसे उठा लिया गया है और मुझे सतपाल पर शक है। सतपाल? और जार सतपाल ऐसा क्यों करेगा भाई? धीरे धीरे धीरे। क्या किया सतपाल ने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कोई मुझे भी तो बताओ आखिर बात क्या है। अपन जी पहले इसे मेरे को तो बता लें दो, आपके चक्कर में मेरे को ही नहीं पता चल रहा है। हाँ यार खोल के बता यार, वो क्या है कि यार कपड़े की खोल है, बात को खोल के बता। सोनू को सतपाल ने अगवा कर लिया है। सतपाल ने अगवा कर लिया है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। पर जाए जी सतपाल ऐसा क्यों करेगा, वो तो सामने ही रहता है, वो जाएगा कहाँ, आएगा तो सामने ही। ए, उसी ने किया है। हे भगवान, काश ये किडनैपिंग सतपाल ने ही किया हो। हे भगवान, अरे शांता हमारा बच्चा किडनैप हुआ है। सतपाल चाहे तो मैं भी किडनैप होने को तैयार हूँ, सतपाल से क्या डरना। गिल्लू मेरे को लगता है ये काम जो है ना तेरे टेंडर वाले दुश्मनों ने किया है। हुँ? हाँ वो फिरौती मांगेंगे, सोनू के बदले टेंडर मांगेंगे, टेंडर देकर अपने सोनू को वापस ले सकते हैं। अच्छा तो अपना सोनू किडनैप हो गया है और वो भी तुम्हारे सतपाल ने किया है, तो उसका नया धंधा ये है। देख लो सतपाल कितना गिर गया है। इतना गिर गया है? एक मिनट, जिसने भी किया है फिरौती मांगने के लिए उसका फोन जहाँ पे जरूर आएगा। लेकिन हमारा फोन तो डेड है। हमारा तो डेड नहीं है। अगर ये काम सतपाल का है हाँ। तो फोन सतपाल के कार भी आ सकता है। हाँ हाँ उसका फोन तो हमेशा वहीं आता है। चलो चलो शांता जी हाँ। सब लोग हमारे घर चलते हैं हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि उसका फोन आके चला भी गया हो। हेलो, मैं डॉक्टर बलवंत। अंकल मैं सोनू बोल रहा हूँ। ओए ओ सोनू पुत्र, मेरा बेटा, तू डरना मत। क्या कह रहे हो अंकल, मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा है। ओ ना ना बेटे, डरने की जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। चलो चलो चलो। कहाँ? ओए ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ओ डॉक्टर, हेलो हेलो, हमारा फोन भी डेड हो गया। तो अब जाएंगे कहाँ? ओए और मेरे क्लिनिक का फोन भी तो है। फोन की घंटी बज रही है, लगता है हमारा इंतजार कर रहा है फोन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? ये फोन भी डेड हो गया, अब क्या करें? वो एक काम करते हैं, थाना गोलमाल चलते हैं। अरे तुझे तो पता है ना इलेक्शन के दिनों में थाने में क्या हाल होता है, और उनको अगर पता चल गया कि हम थाने गए थे तो वो सोनू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या करें यार? मेरा बच्चा, मेरा सोनू। आप चिंता मत करो शांता जी, अब मैं कुछ करूंगी। क्या बात कर रही हो? कितनी रात गए, कौन हो सकता है? सोनू, सोनू इस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? देख रही हो कितना थक गया है,
वैसे भी तुम उन लोगों को नहीं जानती, रात 50,000 का इंतजाम भी नहीं हुआ। सोनू के बारे में सुबह सोचेंगे क्या करना है, अभी तुम मुझे आराम करने दो, आज वैसे भी मेरा भेजा बहुत खराब है। अच्छा तुम कहो तो मैं बिचौली बन जाती हूँ। बिचौली? हाँ। मेरी बला से तुम कुछ भी बन जाओ, मुझे क्या। ठीक है तो मैं अभी आती हूँ। अरे सोनू ये कहाँ गई? कितनी रात हो गई है अब तक सोनू नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया होगा। इस फोन को भी अभी जेड होना था क्या, लगता है आ गया। अरे विमला तुम? मैं अभी विमला नहीं बिचौली हूँ। सतपाल वापस आ गया है, सोनू उसके पास है, उसने 50,000 रुपए मांगे हैं। 50,000? तेरे 50,000? देखो जी मेरे ये कंगन किस दिन काम आएंगे। कौन से? अरे मेरे हाथ में तो कंगन ही नहीं है, इसका मतलब मेरी सास ने मुझे कंगन ही चढ़ा है। मेरे हाथ में भी कंगन नहीं है। हाँ? ये आजकल की सासों को क्या हो गया है, कंगन क्यों नहीं चढ़ाती है? सुनो बिचौली, सतपाल को जाकर समझाओ कि 50,000 कैश मेरे पास नहीं है, वो ये सोफा ले ले। हाँ। वो फ्रिज ले ले। हाँ। वो टीवी ले ले, ये अलमारी ले ले, लेकिन हमारा सोनू हमें वापस लौटा दे बस। ठीक है मैं उसे जाके मनाती हूँ। लेकिन अब क्या फायदा। हेलो। ओ हेलो, ओ गिल्लू, ओ मैं बलवान से बोल रहा हूँ यार। बोलो। ओ मुबारक हो भाई, तेरा भी फोन ठीक हो गया तो मेरा भी हो गया है। अरे लेकिन अब क्या फायदा यार, फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। ध्यान से सुन, वो विमला सतपाल को लेकर आ रही है, उसके साथ सोनू भी है। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो चलो सोनू बेटे अब जल्दी से चलो बस। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ। अच्छा और मुझे भूल ही गए? भाई तुम भी तो हो। हाँ। चलो चलो बिचौली। चलो चलो। ए, गिल्लू जी ये सब क्या है? सोनू शांता ठहरो ठहरो, आ गए तुम? ट्रक कहाँ है? ट्रक? लेकिन ट्रक यहाँ कैसे आएगा? तो फिर सामान कैसे ले जाओगे? अरे गिल्लू जी आप तो अभी तक गुस्सा हो, लगता है आप सुबह वाली बात से अभी तक नाराज हो, आप गुस्सा छोड़ दीजिए। देखिए मैं सोनू को आपके हवाले करने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। मुझे मंजूर है। अरे पहले शर्त तो पूछ लो। हाँ क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप मारोगे नहीं। अरे जब हाथ में आएगा तब मारेंगे ना। लो जी आ गया हाथ में, अब मारो। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? अरे शांता जी आप तो सब कुछ बहुत तेज मारते हैं, लेकिन मेरा कसूर क्या है? रुक जाओ गिल्लू जी, ये चीटिंग है, फाउल है, रोमांची है, इसको मारने की बात नहीं रखी थी। अरे मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे सोनू का अपहरण किया है। अपहरण? सोनू का अपहरण मैंने कब किया? कब क्या, आज? 50,000 रुपए नहीं मांग रहा था शांता ये? आपको किसने कहा है? गिल्लू साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओए तो फिर सही फहमी करा दे, सही फहमी क्या होती है? सच बात ये है मम्मी कि सतपाल अंकल बेकसूर हैं, मैं खुद उनके साथ गया था। क्यों? क्योंकि मैं डर गया था। क्यों डर गए थे? क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। फेल हो गया? अरे एक मिनट एक मिनट, फोन की घंटी बज रही है। फोन कहाँ? फोन कहाँ? फोन कहाँ शांता जी? पता नहीं। हेलो हाँ जी डॉक्टर बलवंत प्रजा जी, एक मिनट रुक जाओ, आपसे नहीं कह रहा हूँ जी। हाँ जी क्या पास हो गया है? तू पास नहीं हुआ है, गिल्लू का टेंडर पास हुआ है। प्रजा जी तुसी कंटिन्यू रहो। टेंडर पास हो गया? अरे नहीं शांता नहीं, रहने दो रहने दो, इसको मत मारो यार मत मारो। अरे मेरा टेंडर पास हो गया है, अब मैं इसे डायरेक्ट मैट्रिक पास करवा दूंगा।